बिहार के किसानों के बारे में जिक्र किया है, बिहार के नौजवानों के बारे में जिक्र किया है, बिहार में पलायन के बारे में जिक्र किया है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जे के बारे में जिक्र किया है। कुछ मीडिया चैनल हैं, सच्चाई नहीं बताएंगे। 10 साल से है ना प्रधानमंत्री, 14 में क्या कहा था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितना दिया पूछे आप, 15 लाख खाते में आ रहा था पूछे आप, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। तमाम नेता इस वक्त चुनाव के प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग अब चंद दिनों में शुरू हो जाएगी, इसको लेकर तमाम नेता जोर शोर से अपना अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नवादा गए हैं, नवादा में उनका शो है, तो इस पर तेजस्वी यादव तंज कसते नजर आए। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर जाएं, साथ ही ये भी कह दिया कि वो अब बुजुर्ग हो गए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े सवालों पर तेजस्वी यादव कहने लगे अब मोदी नहीं मुद्दे की बातें होंगी। जी हां, आपको बता दें तेजस्वी यादव पूरा हिसाब मांगते नजर आ रहे थे पीएम मोदी और नीतीश कुमार से, क्या कुछ कह रहे थे पहले आप ये बयान सुने। बहुत दिनों बाद देखे कि रोड शो कर रहे हैं, इन कारणों की वजह से रोड शो पे भेजा जा रहा है ये हम सब लोग जान रहे हैं। हालांकि ज़्यादा इस पर टिप्पा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, लोग जो है यही कहेंगे कि भाई प्रचार कर रहे हैं, हर किसी को अधिकार रोड शो करने का, सभा में जाने का। तो हम लोग देख रहे हैं बुजुर्ग हो गए हैं और कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि वो भाषण वगैरह जो है वो देखे, अब भेजा जाए तो अच्छी बात ने कहा है। भ्रष्टाचारियों को डर क्यों लगता है पता नहीं चल रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचारी को डर क्यों लगता है, कानून तो सबके लिए है। आप लोग को समझना पड़ेगा कि मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे बिहार की समस्याओं के बारे में जिक्र किया है, बिहार के किसानों के बारे में जिक्र किया है, बिहार के नौजवानों के बारे में जिक्र किया है, बिहार में पलायन के बारे में जिक्र किया है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जे के बारे में जिक्र किया है। कुछ मीडिया चैनल हैं, सच्चाई नहीं बताएंगे। 10 साल से है ना प्रधानमंत्री, 14 में क्या कहा था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितना दिया पूछे आप, 15 लाख खाते में आ रहा था पूछे आप, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, गंगा सफाई अभियान का क्या हुआ, कौन सी ऐसी योजना है जिससे जो है ये बिहार की तरक्की करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। मेरा मानना है कि क्षेत्रीय मुद्दे जो है वो ज़्यादा हावी है और जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। देश की आत्मा गाँव में बसती है और लोकतंत्र की आत्मा जो है क्षेत्रीय दलों में बसती है, क्षेत्रीय दल समस्या क्षेत्र की जानते हैं। तो ये पूरा चुनाव जो है क्षेत्र मुद्दे पर ही होगा और क्षेत्र मुद्दे पे होगा तभी जो है विकास की जा सकती है, संभव है। तो प्रधानमंत्री जी तो क्या क्या कहते हैं, बाद में अमित शाह आएंगे कह देंगे कि जुमला था, तो क्या क्या बातें जो है वो लोग कहें इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। मीसा भारती जी ने जिस हिसाब से कोई बयान दे नहीं दे इसका बात नहीं, आज देश के लोकतंत्र संविधान को ख़त्म करने की गवाही चल रही है और कई बार संविधान ख़त्म करने की बात बीजेपी के नेताओं ने कही। आप लोगों ने सवाल दिखाया, आप लोगों ने डिबेट कराया कि बीजेपी के लोग खुल के कह रहे हैं, बिहार में कहा, राजस्थान में कहा, साउथ इंडिया में कहा, लेकिन कहीं कोई दिखाया। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि देश के संविधान को ख़त्म कर देंगे भाजपा के नेता, हमने वीडियो रिलीज़ किया, वो फ़र्ज किसका बनता था, आप लोगों का बनता था। लेकिन एक तरफ समझना पड़ेगा कि जांच एजेंसी या संवैधानिक संस्थाएं हाईजैक हो चुकी हैं, कोई ईमानदारी से काम कर रहा है क्या। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी है, या फिर से याद दिलाना पड़ेगा। तो आप लोग वही बात, ये मोदी की बात नहीं होगी, मुद्दे की बात होगी।
आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, पीएम मोदी हो, सबसे हिसाब मांगते नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि इन मुद्दों पर बातचीत क्यों नहीं होती है। तो वहीं संविधान के मुद्दे को लेकर भी भाजपा के तमाम नेताओं को घेरा, कहा कि इतनी बड़ी बात कहते हैं भाजपा के नेता कि संविधान को खत्म कर देंगे, इस पर कोई कुछ क्यों नहीं कहता, ये बहुत बड़ी बात है। भाजपा के नेता सीधे तौर पर इतनी बड़ी बात कहते हैं लेकिन कोई मीडिया इस बारे में बात नहीं करता। कुछ मीडिया पर भी आरोप लगाते नजर आ रहे थे नेता प्रतिपक्ष, कहा कि कुछ मीडिया जानबूझकर इस तरीके की खबरें चलाती हैं, लेकिन भाजपा के नेता जब इतना बड़ा बयान देते हैं, भाजपा के नेता जब कहते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे तो इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। तो वहीं ये भी कहते नजर आए कि अब मोदी की नहीं मुद्दे की बातें होंगी। तमाम मुद्दों पर और क्या कुछ कहते नजर आए पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।